हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना फुल पार्टी व्लॉग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली से मैं जा रही हूँ घर अपने फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए। सो सबसे पहले मैं और वैभव पहुँचे हैं घर। सो यहाँ पर ट्रेन का सीन है, ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन ऑलरेडी हो रखा था और मैं और वैभव ही गए हैं। हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बाद में आए हैं। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मोस्टली शादी के सारे वीडियोज़ जो है ना, मतलब देवर की शादी के सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, बट सभी वीडियोस को मैं एक साथ मर्ज करके इस वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए कि जिन लोगों ने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे शादी के फंक्शंस के, वो एक वीडियो में ही पूरे फैमिली के फंक्शंस को आप देख पाओगे। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप लोगों को भी एक ही क्लिक में आप पूरा मेरा फैमिली फंक्शन देख पाएंगे और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं घर पहुँच गई हूँ और सेकेंड डे हम लोग चले गए हैं शॉपिंग के लिए। सो देवर की शादी है तो शॉपिंग भी ढेर सारी करनी थी, तो देवरानी को भी हम लोगों ने बुलाया था। सो यहाँ पर आप सारे लोगों को देख सकते हो। ये हमने वीडियो यहाँ पर शूट नहीं किया है, सिर्फ हमने फ़ोटो क्लिप्स लिए हैं क्योंकि वीडियोस बनाना अलाउ नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे ही दिन हमारे यहाँ गेस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। सो सबसे पहले आ गई है छोटी सी फ्रेंड वैभव की, और काम जो है ना वो ढेर सारा था। ढेर सारे काम के बीच जो है ना, चलिए तिलक की तैयारी शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो घर के डेकोरेशन जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। शादी जो है ना, शादी और तिलक में काफ़ी दिन का बीच में गैप है। सो एक या दो दिन पहले ही तिलक के डेकोरेशन के लिए यहाँ पर जो डेकोरेशन वाले भैया थे उन्होंने अपना सामान वगैरह लाके रख दिया था, और दो दिन पहले हमारे यहाँ 12 फरवरी को जो है ना वो तिलक था। सो 12 फरवरी के पहले उन्होंने अप्रॉक्स 10 फरवरी को स्टार्ट कर दिया था घर में डेकोरेट करना। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फूलों की माला वगैरह, लड़ियाँ वगैरह बहुत ही अच्छे से उन्होंने घर को डेकोरेट किया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हार्डली 6 या 7 मंथ्स ही हुए हैं हमें यहाँ पर शिफ्ट किए हुए और प्रॉपर तरीके से दिव्यापुर में रहते हुए, अभी हम नए नए ही शिफ्ट हुए हैं। सो अभी जो है ना डेकोरेट वगैरह हो रहा है, पेंटिंग और सारा कुछ काम ऑलरेडी अभी नया ही है। सो ज़्यादा हमें पेंटिंग्स वगैरह नहीं कराने पड़े, मतलब पेंट वगैरह नहीं कराना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी अभी सब कुछ नया ही था। सो डेकोरेशन में यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह उन्होंने बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। आप लोगों को फुल वीडियो इस वीडियो में पूरे शादी का सारा फंक्शन का वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ मैं, और होपफुली आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऊपर की सजावट है जो कि गेंदे के फूल से की गई है। और उसके बाद जिस दिन तिलक था, तिलक वाले दिन मैं और हस्बैंड हम दोनों ही पहुंच गए हैं गेस्ट हाउस वगैरह देखने के लिए और कुछ स्वीट्स वगैरह देखने के लिए जिसके लिए पापा ने बुलाया था। धूप की वजह से हम लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, और ये देखिए दूल्हे राजा भी ऑलरेडी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और फ्रेंड्स वगैरह और रिलेटिव्स वगैरह सभी आने स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुबह से लेके मिठाइयाँ वगैरह जो है ना वो बनना एक या दो दिन से पहले से स्टार्ट हो जाता है, तो तिलक वगैरह में प्रॉपर तरीके से काम पहले से स्टार्ट हो चुका था और सभी प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे। मैं पहुँच गई हूँ पार्लर, दोपहर के बज चुके हैं 3 और 3 बजे मैं पार्लर में एंट्री ले चुकी हूँ। सो कुछ इस तरीके का मेरा लुक रहा जो कि हमारा तिलक सेरेमनी का लुक था। ये लुक मुझे सिंपल सोबर और सबसे ज़्यादा प्यारा, पूरी शादी में सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे यही वाला लुक लगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, आगे आने वाले फंक्शंस में भी आपको मेरे लुक देखने को मिलेंगे। कौन सा वाला बेस्ट लगा बताइएगा नीचे कॉमेंट करके। और मुझे जल्दी जल्दी से हड़बड़ में ही मुझे घर वापस जाना पड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे रिलेटिव्स वगैरह सब हम गेस्ट हाउस में पहुँच चुके हैं और सभी वेट कर रहे हैं तिलक सेरेमनी का। और सारे रिलेटिव्स वगैरह से मिल के बातचीत करके और हमने अपनी सीट पकड़ ली है और अब जो है ना तिलक चढ़ना स्टार्ट होने ही वाला है। सो यहाँ पर हमारे स्पेशल गेस्ट जो आई हैं वो हैं, आई हैं हमारे एरिया की विधायक रेखा वर्मा जी, जिन्हें हम साहिबा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर दीदी, जीजा और काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पर बैठ के एक साथ नाश्ता वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, और हम सभी ने खूब सारा इन्जॉय किया।
हस्बैंड के साथ थोड़ा सा ही फ़ोटो सेशन हो पाया, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा काम था उनके पास, तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं था फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने का। बट मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे साथ फ़ोटो वगैरह खिंचा लिया। अच्छा, मैं पूरा वीडियो वॉइस ओवर ही दे दे रही हूँ, क्योंकि कि इतना ज़्यादा साउंड वहाँ पर क्रिएट हो रहा था कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। सो यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स, मेरी बुआ और मामी और मम्मी सभी लोग आ चुके हैं, ढेर सारे बच्चा पार्टीज़ भी आ रखे हैं, और अब हम वेट कर रहे हैं तिलक चढ़ने का। सो यहाँ पर देखिए तिलक चढ़ने की तैयारी हो रही है और सामान वगैरह आना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वैसे वैभव जो है ना, वैभव को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ चले गए हैं, बट जब भी कोई फंक्शन होता है या फिर कुछ स्पेशल काम होता है तो वैभव जो मेन इंसान होता है ना उसके पीछे लग जाते हैं। तो यहाँ पर चाचू की सेरेमनी हो रही है, तिलक सेरेमनी, तो वैभव चाचू के पीछे लगे हुए हैं और जो सारे काम चाचू के साथ हो रहे हैं वो वहीं पर बैठ के अच्छे से इंजॉय करेंगे। आगे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा, छोटे मोटे सेल्फीज़ वगैरह और शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह भी हम लोगों ने क्रिएट किए, और यहाँ पर आप देख सकते हो बातचीत के तौर पर यहाँ पर काम चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं रियल वॉइस भी यहाँ कर आपको दिखाना चाहूँगी। जो महिला संगीत का आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये जो है ना तिलक के दूसरे या तीसरे दिन का है, जहाँ पर तेल तिलाई के कार्यक्रम होने स्टार्ट हो जाते हैं। 17 फरवरी को शादी है और 12 फरवरी का तिलक है, तो तिलक जो है ना वो हो चुका है और अब हम तैयारी कर रहे हैं बारात की, जो कि है 17 फरवरी की। और यहाँ पर आप देख सकते हो सभी लोग महिला संगीत कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके का होता है, अलग अलग एरियाज़ में अपने अपने एरिया के संगीत गाए जाते हैं। सो हम लोग यहाँ पर बैठ कर गाने वगैरह गा रहे हैं और हमारे रिलेटिव्स और जो हमारे पड़ोसी वगैरह हैं वो सभी लोगों ने भी इस चीज़ को ज्वाइन किया हुआ है। मूसर में लगा दे सर। मोटे तो मेरे लोग तुम्हारे हो जाए, अजय मेरे को वैसे
लाओ रख ले मोबाइल लचका रे मैम कमरिया सब अच्छी काली हो गई है। मैं निकल रहा हूँ। मैं खुद निकली थी पहले। मैं निकला ना तो आया नहीं है। मैं तो हल्दी लगाया। दो तीन दिन चार दिन आया नहीं मतलब। दो दिन तक आया नहीं। इतनी गलती है कोई सच बोले। पहले मैं बोल। वो जैसा बिजी हो जाता है। वैसे तो मैं भी नहीं कर रहा अच्छा पूरी गंदगी सुखाने का ठेका नहीं लिया मैंने पढ़ाने के पास बोल के रखूंगी की मेरे को ये चाहिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े हलवाई जो है ना वो बैठ गए हैं खाना बनाने के लिए। सो यहाँ पर हस्बैंड और मेरा छोटा भाई और खाना बनाने वाले आंटी और अंकल ये सभी लोग मिलके खाना बना रहे हैं। आंटी और अंकल खाना बनाने वाले सिर्फ दो ही लोग थे और खाने वाले काफ़ी सारे लोग थे तो इसलिए हम लोग हेल्प कर देते थे जब भी हम लोग को टाइम मिलता था। तो हस्बैंड बोले कि चलो तुम लोग पूड़ियाँ बेलो, मैं और दीपक दोनों मिल के पूड़ियाँ वगैरह जो है ना वो सेंक लेते हैं। सो यहाँ पर हम सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं और साइड में ही हम लोगों ने म्यूज़िक का साउंड लगा रखा है। सो अच्छे अच्छे पुराने गाने जो है ना वो लगा रखे हैं जो कि अंकल आंटी को भी पसंद आ रहे थे और हम सभी लोगों को भी अच्छे लग रहे थे। और गाने सुनते सुनते काम भी अच्छे से हो जा रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूड़ी वगैरह बेल रहे हैं, मैं और आंटी हम दोनों लोग बेल रहे हैं और हस्बैंड जो है ना वो पूड़ियाँ निकाल रहे हैं। सो जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था तो हेल्प वगैरह कर देते थे ताकि सभी के लिए इजी हो जाए और अच्छे से काम निकाल खाना वगैरह का।
आसानी हो खाना बनाने में भी और खाना खाने में भी। बेलन वाले बेलो जल्दी, हाँ पूरी नहीं है कढ़ाई गढ़ी है। हाँ भैया बुला, भैया आओ खाने खा लेंगे। खाली चले जाओ तो पुलिस झेक दो। अकेली फिर अंधेरे में फिर नहीं तुम जाइयो अकेली, चलो निभा चल। और देवता है मिठू मिठू पापा मामा चले भाई हम ना पापा को घर में मिठू मिठू डॉली मिठू मिठू डॉली बोलो डॉली नहीं बोलना मिठू भूखे मैं व्लॉग भी बना रही हूँ साथ में।
आई होप आप सभी लोगों ने व्लॉग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और मेरे घर के फैमिली फंक्शन का वीडियो था, इसलिए मैंने इसको डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आगे और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ अभी बाकी हैं, दुल्हन के घर की एंट्री का वीडियो बाकी है और उसके बाद मंडप के नीचे होने वाले दूल्हा दुल्हन के जो प्रोग्राम होते हैं उसका वीडियो भी बाकी है। एक साथ अगर सारे वीडियोज़ को मर्ज कर देंगे ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना वीडियो जो है ना वो आज के लिए सफिशियंट है। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ और मिलती हूँ दूल्हा दुल्हन के मंडप के नीचे वाले वीडियोस के साथ। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय आया होगा इस वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ नए